तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब तुम लोगों को तो बताइए, कल मैंने आरपी को पूरी तरीके से मैक्स कर दिया था और उसमें लेवल 40 पे एक आउटफिट था जो कि मेरे को बहुत पसंद आया था। तो वही आउटफिट यहाँ पर मैं पहन के ये गेम प्ले बनाने वाला हूँ। और ये पहला गेम प्ले था और भाई इसमें भाई मतलब अब की बार 30 किल पार का सीरीज जो है ना, वो आज भी कंटिन्यू है। तो भाई तुम लोग कमेंट सेक्शन में गेस करो कितने किल्स होने वाले। अब ये जो आउटफिट है ये लेवल 40 पे अनलॉक होता है और इसका नाम है डेड डॉग सेट। तुम लोग मेरे को बताना कि तुमको ये आउटफिट कैसा लगा। सच बताऊं तो मेरे को इन गेम ये आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है। अगर आपको फुल ब्लैक पसंद है तो ये आउटफिट बहुत अच्छा है। अब देखो, तुम्हारे भाई का यहाँ फाइनली एक खाता खुला। मतलब जिस हिसाब से मैं तुमको बोला हूँ कि 30 किल से ज्यादा होने वाले, शुरुआत तो उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुई है। उसका रीजन तुम्हारे सामने है। भाई मैं एकदम मेन बिल्डिंग में उतरा हूँ पर यहाँ पर मेरे साथ कोई उतरा ही नहीं था। ये स्क्वाड भी जो मैंने मारी है ना, ये बाहर से अंदर आई थी। मतलब तुम समझ सकते हो कि क्या हालात थे इधर। वेल जो भी हो, मेरे को 3 किल मिल गए थे। मैंने इनको फटाफट लूटा और फिर निकला और बंदों को ढूंढने के लिए। बिकॉज तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अब मात्र 16 और बंदे बच रहे। तो मैं जितनी देर इस वाले बिल्डिंग में रुकूंगा ना, मैं अपना नुकसान कराऊंगा। अब ये शायद इनका चौथा बंदा था जो थोड़ा लेट उतरा या फिर सो गया होगा। तो ये बेचारा अभी भाग रहा था पूरे में। तो मैंने वेट करा, मैंने पहले हेल्थ लगाई और फिर क्या लड़ने। अब ये तो इजी किल था। तो इसको धरने के बाद मैं एक बात तो समझ गया कि यार देखो, इस मेन बिल्डिंग में कोई बंदा नहीं है। जो भी बंदे हैं बाहर ही हैं, क्योंकि फायरिंग का साउंड वहीं से आ रहा था। तो अब मैं गया अपने फेवरेट घर की छत के लिए। बट भाई इधर तो ऑलरेडी फाइट चल रही है। तुम देख सकते हो कि स्मोक पड़ रखा है और ऊपर बंदे भी भाग रहे। थोड़ा रिस्की है लेकिन सोच रहा हूं मैं कि ट्राई कर ही लूं। ओ भाई थोड़ा करीबी था बट तुम्हारे भाई ने धर लिया। अब यार मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये आउटफिट तुमको थोड़ा सा असैसिन क्रीड वाले आउटफिट की मतलब लाइक वाइब्स नहीं दे रहा है। उसमें जो ब्लैक आउटफिट होता है, मतलब ज्यादातर वाइट ही होते हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई ब्लैक असैसिन क्रीड का लाइक कॉस्प्ले कर रहा हूँ गेम के अंदर। ओ भाई अब तुम देख सकते हो कि मैं कितनी लो एचपी में बचा हूँ। अब मैं एक बात तो समझ गया था कि जो मेरे फेवरेट घर की छत है अब वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मैं वहाँ सीधा नहीं जा सकता था। बट जिन लोगों ने मेरे को स्पॉट कर रखा था, जिन्होंने मेरे को हेडशॉट्स मारे थे, वो छुप रहे थे। तो उनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था। बट इस बिल्डिंग में एक बंदा है जिसको सूतना पड़ेगा पहले। तो अब ये तो एक इजी 1v1 था जो कि मैंने आराम से जीत लिया। लेकिन तुमको पता है जिन बंदों ने मेरे को डैमेज दिया था वो वही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे थे जो कि कल की वीडियो में एक बंदा इस्तेमाल कर रहा था। पेड़ के पीछे छुप के फायर कर रहे थे लोग। अब एक बात तो क्लियर थी कि ये दोनों एक ही टीम के हैं और दोनों की दोनों कैंप करके बैठे हैं। बस मेरे को एक बंदा दिख गया। बस यही नहीं करना था है? यार मोहित भाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई। वेल जो भी हो, इसको तो मैंने नॉक कर दिया था। तभी स्मोक हुआ। ये स्मोक मैंने नहीं डाला था और नॉक बंदा स्मोक नहीं डाल सकता। तो यहां पर जो दूसरा बंदा है इसका, वो भी आसपास ही है। अब इसको तो मैंने फिनिश कर दिया। इसका टीममेट बिल्कुल भी बचाने नहीं आया भाई। तो मैं समझ गया कि अब मेरे को बाहर ही निकलना पड़ेगा। और मैं जैसे ही निकला भाई, डीपी का क्या खतरनाक स्प्रे आया है। एक गोली अगर और छूती ना, मेरा गेम बच जाता इधर। अब ये बंदा वहीं बैठा हुआ था जहां पर मैंने इसको पहले स्पॉट करा था। भाई
कैंपिंग हो जाती लोंडो से, लेकिन जहां बाहर निकल के फायरिंग करने की बात है ना, वहां भाई हार मान गया। अब क्योंकि ये इकलौता था और नॉक भी था तो इसको कोई रिवाइव तो देगा नहीं, तो मैंने जिनी को घिसा, लूटा और फिर यहाँ से कूद गया। अब आमतौर पर मैं नीचे उतरता हूँ तो मेरे को गाड़ी ढूंढनी पड़ती है, फिर बंदे ढूंढता हूँ, बट इस बार भाई मैं उतरा था नोवो में और नोवो में बंदे ना मिले, ऐसा थोड़ी ना होता है, यहाँ तो पूरी स्क्वाड मिल गई भाई। अब इधर कुछ तो हुआ था क्योंकि एक बंदा फिनिश हुआ, एक नॉक है और एक मेरे से फाइट ले रहा है, तभी मेरे को पीछे से पड़ने लगी। मैं बहुत लगी था कि इसके पास UMP थी, M4 वगैरह होती तो मैं गया था। अब यहां पर मेरे को सारे हील मिल गए, लेकिन मुझे पता था कि इसके टीममेट रोड के दूसरी तरफ है, तो मैं पुश करने गया, लेकिन इससे पहले कि मैं पुश करता वो लोग ऑलरेडी पुश कर चुके थे। अब इस बिल्डिंग में एक बंदा तो है, इस बात की गारंटी है, और दूसरा बंदा अपने टीममेट को रिकॉल करने गया था। अब तुम देखो हवा से चिड़िया कैसे गिराते हैं। एक गया, दूसरा भी गया, ओ भाई, और तीसरा दूसरी तरफ उतरा है यार, बताएंगे कितने बंदे हैं। अबे तीन अगर रिकॉल हुए हैं, एक इस बिल्डिंग में है। अबे चल क्या रहा है, आई थिंक यहां पर एक टीम के बंदे नहीं है, यहां पर अलग अलग बंदे हैं भाई। ये तो पूरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, लेकिन अच्छी बात ये है कि किल्स मुझे ही मिल रहे हैं। ओरे भाई, अब एक को तो नाप दिया, लेकिन दूसरा भाई कितनी हेल्थ थी इसके अंदर यार, ये क्रेट लूट के आया था, लेवल 3 हेलमेट वेस्ट था आई थिंक इसके पास। पर जो भी हो, हम दोबारा उतरे क्योंकि भाई लड़ाई बीच में हम छोड़ के नहीं भागते। खत्म, सब गए। अब यहां पर जितने थे सबको मैंने ठोक दिया और एक एक करके मेरे को मेरे सारे किल्स भी मिल गए। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, प्लस मेरे पास गाड़ी भी थी, तो मैंने गाड़ी ली और बंदूक ढूंढने लग गया। बंदे तो मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक एयर ड्रॉप दिखाई दिया। अब एयर ड्रॉप से वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं था क्योंकि ग्रोजा ऑलरेडी मेरे पास है और इस ग्रोजा में भी वही RP की नई वाली स्किन लग रखी है जो कि औसम है दिखने में, लेकिन अगर एक AWM मिल जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर इनको देखो भाई, क्या कर रहे हो बे? अब देखो ये यहाँ अकेला नहीं था, इसका टीम असल में मेरे से पहले इधर पहुंच गया था और कैंप करके बैठा हुआ था एयरड्रॉप को। अब उनका लफड़ा मेरे से हो गया है। और देख रहे हो कैसे लेटे हैं सब। अब मैं एक बात तो जानता था कि मिनिमम यहां पर 3 बंदे मेरे पर पुश करने वाले हैं, तो सिचुएशन खराब है। दो मैंने नॉक कर दिया, बट ये UMP वाला दिख नहीं रहा, डैमेज बहुत गंदा दे रहा है ये, पता नहीं कैसे मैं इसको दिख रहा हूं बट ये मुझे नहीं दिख रहा है। अब देखो मैंने फटाफट से मेडकिट लगाई और मैं जानता था कि ये प्रोन है, और प्रोन बनने से निपटने का सबसे आसान तरीका है डांसिंग ग्रेनेड, कि तुम जैसे ही ग्रेनेड मारोगे बंदा खड़ा होकर भंगड़ा पाने लगेगा, जैसे कि इसके साथ हुआ। एक और स्क्वाड वाइप। अब इसी के साथ तुम्हारे भाई के 23 किल हो चुके थे। अब क्वेश्चन ये था कि मेरे को बाकी के बंदे ढूंढने के लिए कहां जाना है, तो ऐसे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जगह आई, अपार्टमेंट्स, क्योंकि अपार्टमेंट्स एक ऐसी जगह है जहां पर भाई बंदे आते जाते रहते हैं, तुमको मिल ही जाएंगे यहां कभी ना कभी बंदे। ओ भाई, इनकी पता नहीं कहां जाने की तैयारी हो रही थी, बट अब तो इनके लगेंगे।
अरे भाई साहब, S12 के किसी और मैच में चलाना। अब भाई इनको खत्म करने के बाद तुम्हारे भाई के 26 किल हो चुके थे, लेकिन अभी भी हम लोग अपने 30 किल को पार करने के लिए बहुत दूर थे। तो हमको चाहिए, ये कहां से आया भाई? भाई कुछ भी चल रहा है पता आजकल, मतलब गाड़ी बंदों को छूती भी नहीं और वो नॉक हो जाते हैं। अभी तुमको एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। हुआ क्या कि इस बंदे को मैंने जैसे ही मारा, इसका टीममेट आके गाड़ी लेके, अब जहां तक मुझे लग रहा था गाड़ी में दो बंदे तो मिनिमम है। अब मैं इनसे फाइट लेने के लिए एंगल बना रहा था, बट इनको शायद समझ में आ गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से फाइट नहीं ली बल्कि यहां से कटने लग गए। भाई ये क्या था, ये क्या था? अबे नॉक कौन हो गया है? भाई कुछ भी हो रहा है गेम में। अब मेरी किस्मत अच्छी हो या इनकी खराब, इस स्क्वाड के गंदे लगे हैं भाई। अब तुम देख सकते हो कि जोन जो है वो शेल्टर का ही बन गया है, तो ऐसे में मेरे को लग रहा था कि शेल्टर जाके एक अच्छी जगह ढूंढ लेता हूँ। तो बस मैं वहीं जाने ही वाला था गाड़ी घुमा के, लेकिन किस्मत में जब किल्स लिखे होते हैं ना तो अपने आप ही मिलते हैं भाई। ओ भाई ये तो बहुत गंदा नॉक हुआ, लेकिन इसका टीममेट भाई इसको छोड़ के ही भाग गया। भाई ऐसा टीममेट तो नहीं देगा यार। वेल कोई नहीं, आगे जाके तो मेरे को मिल ही जाएगा, भाग के जाएगा भी कहाँ, जोन तो छोटा ही हो रहा है। अब मैं शेल्टर के पास आ गया था और कारपेट पे घूम रहा था, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की थी, लेकिन तभी मेरे को एक स्क्वाड स्पॉट हुई जो कि पहाड़ पे चढ़ी हुई थी। आए हाय कितना डैमेज खाओगे बे तुम लोग। ओ भाई मैंने नॉक तो कर दिया बट मेरी हेल्थ देखो। अब तभी मेरे को एक बंदा दिखाई दिया। मेरे को लगा था इसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है भाई, बट वो इधर ही देख रहा था। बाल बाल बचा, एक आध गोली कनेक्ट हो जाती है तो गेम प्ले इधर ही खत्म हो जाता। अब मेरे को मौका मिला था तो मैंने हेल्थ लगाई और मैं इस बंदे से उलझा हुआ था, लेकिन मैं इस चक्कर में भूल गया उस स्पॉट के बारे में जिसका मैंने बंदा नॉक करा था। अब मैं एक बात तो बहुत अच्छे से जानता था कि ये जगह सेफ नहीं है, कोई भी पीछे से आके मेरे को धर सकता था, तो मैंने कारपेट का इस्तेमाल करा और थोड़ा सा ऐसे लोकेशन पे गया जहां पर मैं सेफ रहूं। अब किंग को तो मैंने उतार दिया था, बट ये बंदा मेरे ऊपर पुश करेगा। अब मैं इसे फाइट ले सकता था, बट यार मुझे नहीं पता था कि ये कितने बंदे हैं गाड़ी के अंदर, तो मैंने डिसाइड करा कि एक बहुत लंबा फ्लैंक मारूंगा। ये बहुत रिस्की था, इसकी उम्मीद इनको बिल्कुल नहीं थी। उसका रीजन ये है कि जो शेल्टर है ना, इसके मल्टीपल ओपनिंग्स हैं, ज्यादातर ओपनिंग जो थे वो जोन के बाहर थे, तो अगर उधर कोई जाएगा तो जोन का डैमेज खाएगा। एक ही था एंट्री जोन के अंदर, लेकिन मैं जानते हो रिस्क उठाया, मुझे पता था कि देखो जोन डैमेज तो देगा बट उतना नहीं देगा जितना ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन इतना दिमाग लगाने का नुकसान ये हुआ कि जो किंग अनिल भाई की मैंने किल निकाली थी वो चोरी हो गई। तो मैं समझ गया था यार कि जब तक मैं नीचे नीचे चूहे की तरह भाग रहा था ऊपर लड़ाई हो गई है। तो वहां एक दूसरे स्क्वाड आ गई थी, या फिर कहें जो भी थे बचे हुए, अब उनको मैं सूतूंगा भाई, क्योंकि मेरी किल नहीं चुरानी थी आपको।
भाई इनको तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि पीछे से कोई आने वाला है, तो ये मेरे लिए फ्री की गिल थी। अब सिर्फ दो और बंदे बच रहे थे और तुम कह सकते हो कि ये गेम का ऑलमोस्ट एंड फेज ही है, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने एक रोटेशन लगाया क्योंकि मुझे पता था कि बंदे शेल्टर की तरफ है, तुम फायरिंग सुन सकते हो। अब इधर मैं फिर से देखो जोन के बाहर से जा रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो अगर मैं सीधा सीधा गया तो मैं नहीं बचूंगा क्योंकि इतना कवर शवर है नहीं उधर, कवर तो इधर भी नहीं है, लेकिन भाई बला हो बीजमाई के डेवलपर्स का, उन्होंने दो ठे यहाँ पर जो ये कैंप्स लगा रखे हैं पता नहीं किसके लिए, छोटे छोटे से कैंप्स, इनका मैंने फायदा उठाया, इनको मैंने एज अ कवर यूज करा क्योंकि देखो मैं जोन के सेंटर में हूँ, उनको जोन में आना है और बीच में एक सड़क भी है जो कि मेरे से थोड़ी दूर है। सड़क का मतलब तुम समझ रहे हो, पूरा ओपन खुला इलाका, तो वो जब भी आएंगे मैं ऐसे ही बजाऊंगा। तो एक को तो मैंने धर लिया, दूसरा बच रहा था जो कि गिली सूट पहने हुआ था, इस वजह से मेरे को पहले नहीं दिखा, बट ओपन में तो आना ही पड़ेगा ना। मैं बैठा हुआ था इधर, मेरे पास दुनिया भर का टाइम था, मैंने कहा आज मैं 34 किल लेके ही जाऊंगा, चिकन डिनर भी लेके जाऊंगा भाई। क्या बोला था, कहते ही इजी चिकन डिनर।